वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। भूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास पटना से वजन से वाटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए नया नियम का किताब है कुलूसियों का पत्रिका, उसका तीसरा अध्याय एक से लेकर चार तक पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। तीसरा अध्याय पहला पद, अथा जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके द्वारा विश्वास करके उद्धार पाया है, आनंद जीवन पाया है, उस व्यक्ति के लिए संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रभु पर अभी तक विश्वास नहीं किया, नहीं तो आपका उद्धार का निश्चयता नहीं है, तब इस संदेश आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर लेखक ने यह बात बताता है, अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मतलब क्या है? बाइबल बताता है जो व्यक्ति पाप किया, पाप के साथ जन्म लिया है, वो मर चुका है उसका आत्मा में, उसको कोई जीवन नहीं है। शारीरिक जीवन तो है, इफिसियों का किताब दूसरा अध्याय में बताता है, जो पापों और अपराधों में मर चुके थे। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ जिलाए जाते हैं हमारी आत्मा। यही बात पौलुस ने यहां बता रहा, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि आपका उद्धार हुआ है, आप अनंत जीवन का वारिस है, आपको पक्का यकीन है आज प्रभु आने पर, नहीं तो मेरा मृत्यु समय स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि मैं पाप से उद्धार पाया। उस व्यक्ति का जीवन शैली कैसे होना, यह बात बता रहा है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। विश्वासी होने के नाते, प्रभु का संतान होने के नाते, हमारा हमेशा ध्यान स्वर्ग की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु जो मसीह है स्वर्ग में विद्यमान है। जब हम उद्धार पाता है, ईश मसीह को अपना हृदय में स्वीकार करते हैं, एक केवल मुंह से बताने का बात नहीं है, मैं एक निर्णय ले रहा है कि आज से मैं प्रभु ईश मसीह के पीछे चलेंगे, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा कर्ता है, वो मेरा सब कुछ है। वो प्रभु का
वजन के अनुसार, उनका अगुवाई के अनुसार हर एक मसीह चलना है। आज प्रभु स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा तो है धरती पर हमें चलाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में है। इसलिए मेरा ध्यान कहां की ओर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। यही पवित्र आत्मा भी हमारा जीवन में वही कार्य कर रहा। यीशु मसीह आज पिता के दागिनी ओर बैठा है। इसके बाद दूसरा पद में बताता है, वही बात एक और बार स्पष्ट करके बताता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की वस्तुओं का नहीं का मतलब इस संसार में कुछ छुपाने के लिए, इस संसार में अपना नाम कमाने के लिए, इस संसार में अपना कुछ दिखाने के लिए, यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है हर एक व्यक्ति इस संसार में अपना कुछ दिखाना चाहता, मैं इस संसार में कुछ है। हमें मालूम है कोई फिल्म स्टार हो, क्रिकेट खिलाड़ी हो, वो सब अपना नाम कमाया है, पैसा कमाया है, वो दुनिया में बड़ा नाम है। लोग चाहते हैं वैसे ही मुझे भी एक नाम मिलना। लेकिन विश्वासी का विचारधारा कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा प्रभु स्वर्ग में है और आज और कल मुझे स्वर्ग में जाना है, ये प्रतीक्षा मेरा और आपके अंदर में होना चाहिए। तीसरा पद में बताता है, क्योंकि तुम तो मर गए हैं और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। संसार के लिए हम मर चुका है, हम अभी तत्काल के लिए जीवन बिता रहा, लेकिन संसार का वस्तु, संसार का सुख विलास, संसार का कोई भी वस्तु मेरे शरीर में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस संसार के लिए मर गया। संसार की इच्छा, संसार का प्रलोभ, सबके लिए मैं मर चुका है और मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु का वचन को सुनना, प्रभु के लोगों के साथ जीवन बिताना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। चार पद में पढ़ते हैं, जब मसीह हमारा जीवन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे, यही हमारी आशा है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हम उसके साथ अनंत काल तक प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे, यही धन्य आशा प्रभु ने मेरा और आपका जीवन में दिया। मुझे सुनने वाला हरेक भाई लोग अपना जीवन को परख कर देखिए, यदि आप प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो जल्दी प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार कीजिए। वो प्रथम जो बात है, जो आप यीशु का चेला, रोज बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, आपका विचारधारा ऐसा होना चाहिए, इस संसार में कुछ कमाना नहीं, ध्यान नहीं लगाना, प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाकर एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।